विकल्प दे, हमारे खेतों की पराली उठा ले, नहीं तो हम पराली जलाएंगे। सरकार से जो होता है वह कर ले, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, हमें जेल में डालेगी, डाल दे। हम जेल में जाने को तैयार हैं, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकते। यह बात फतेहाबाद जिला के एक किसान रमेश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उस समय कही, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप पराली जलाएंगे। जब आप रमेश कुमार की पूरी बात सुनेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि किसान इस बात को लेकर कितना परेशान है कि पराली का कोई विकल्प न होने के कारण वह भूखा मरने की स्थिति में पहुंच गया है। देखें फतेहाबाद से पल पल की यह विशेष रिपोर्ट। सरकार बार बार किसानों पर आरोप लगा रही है, तो पराली को लेकर क्या कहना चाहोगे? जनाब कहना क्या चाहेंगे, कहना तो एक बार 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 प्रार्थना तो हम कर चुके हैं सीएम से, सब मंत्रियों से, डीसी से, सबसे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी क्या रहा, सिर्फ थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली उनके पास भी कुछ नहीं है। ये अभी आपके सामने देख लो, ये सिर्फ 4 कनाल की हैं, ये यहाँ पर इकट्ठी कर रखी हैं, अभी 30 किले में और खड़ी है। कहाँ तक ले कर इकट्ठी करेंगे? जहाँ इकट्ठी करके रखेंगे वहाँ चूहे आ जाएंगे, फसल और नहीं होने देंगे। कोई इलाज नहीं है, ना तो इसमें बेलर चल सकता है, ना कुछ है। पानी में कह रहे रोटावेटर, ठीक है, अभी ये पानी लगा रहे हैं, पानी में रोटावेटर चला ले, वो बदतर नहीं आएगी। ऊपर से सर्दी पड़ रही है, गेहूं बिजाई 12वें महीने तक नहीं होगी, एवरेज उसकी 35 और 35 के घरों में रह जाएगी। इससे अच्छा कोई बात नहीं, आप किसानों को अंदर टाइम से बंद कर दो, ना किसान होंगे और ना ये गेहूँ बीजेंगे, ना पराली जलाएंगे, आराम से बैठे रहेंगे घर। अपना खर्चा जो है आप सरकार जमा करा दो, 2 रोटियां इनको देना, बच्चे इनके भूखे गुरुद्वारों में या गलियों में मांग के खा लेंगे। सब किसानों को पकड़ के ना एक बार सबको अंदर बंद कर दो, आराम से वो बैठे रहेंगे, उनको रोजी रोटी देते रहना, उनके बच्चे भीख मांग के कर लेंगे गुजारा। सीएम साहब सोचो इस बात को, अकेले ऐड देने से कुछ नहीं होता, आओ प्रैक्टिकली हमारे खेतों में आओ, हमारे सामने आओ, आके बात करो, यहाँ हमारे को हल करके दिखाओ, फिर तो मज़े की बात है। वहाँ बैठे कागजी कार्रवाई, हमारे DDA है या कुछ भी है, कागजी कार्रवाई में भागे फिरते हैं, हमने सब्सिडी दे दी, क्या करेंगे सब्सिडी का, कोई हल तो नहीं है। अब 6 किले वाला किसान क्या करेगा, 5 किले, 6 किले, 4 किले वाला किसान क्या करेगा, कहाँ से लाएगा? अब ये बेलर लाए हम, ये 4000 रुपये एकड़ का मांग रहा है, ये 4000 रुपये एकड़ का मंगा के वहाँ छोड़ के चला जा रहा है, उठ नहीं रही है 5 आदमियों से भी, 6 आदमियों से भी। इसके लिए उठाने के लिए भी ट्रैक्टर से एक लिफ्ट वाला और ले आए, 1200 रुपये एकड़ वो मांग रहा है उठा के बाहर रखने की। अब 5000 रुपये तो यही खर्चा हो गया, उसके बाद इसकी जुताई पुताई करके सब्जियों करके क्या बचेगा उसमें से? इसका कोई हल नहीं है, कोई ठोस उपाय हमें सुझाया जाए। सरकार हाथ जोड़ के बेनती है, कोई ठोस उपाय दे दो ताकि हम जो है ना कोई पराली का समाधान कर सके। या तो फैक्ट्री लगाओ, भुना शुगर मिल का एरिया खाली पड़ा है, एथेनॉल की फैक्ट्री लगाओ, हम वहाँ डालते हैं, मत देना पैसे हमें, सिर्फ हमें भाड़ा दे देना तो भी हम वहाँ पहुँचाने को तैयार है, मत देना पैसे पराली के, लो तो सही, कुछ करो तो सही, नहीं तो हमारे पास तो वही 1 रुपये वाली माचिस है या आपकी सलाखें हैं, सलाखों में जाने को तैयार बैठे, आ जाओ जब मर्जी आपका जी करे ले चलो, हम तैयार बैठे हैं। तो क्या सावधानी बरतने की बात चल रही है? सावधानी बरतने, वो आग ना लगाओ, नहीं लगाते आग पर करें का जाए कहाँ, खाली बैठे हैं, आलू बीजने, ना तो आलू बिजाई हो रही है टाइम से, गेहूं का टाइम आ गया, अब यही 15-20 दिन है गेहूँ बीजेगी, वरना तो छुट्टी है, बाद में क्या निकलेगी 20 मन, ऐसे ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट, 50 मन होगी, 70 मन होगी, लोगों से ऐड करवा के, वो किसान नहीं है जिनसे ऐड करवा रहे हो, पकड़ पकड़ के उनको पैसे दे के ऐड करवा रहे हो तुम लोग, बोलो किसान यूँ ना करे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाने का, सही ठोस समाधान दे दो सरकार, नहीं तो ठीक है आ जाओ जब मर्जी आओ, गिरफ्तार करो ले चलो, हम चलने को तैयार बैठे, हमारे बच्चे भीख मांग के गुजारा कर लेंगे, आपके बच्चे अच्छे अच्छे होटलों में जाके 5 स्टार में खाना खा लेंगे, हमारे भीख मांग के खा लेंगे, और क्या होगा इससे बड़ा? तो क्या रणनीति आगे की? कोई रणनीति, हमारे पास रणनीति जब तक इसका कुछ ना हो तो हमारे पास तो माचिस तैयार है, आ जाना जब मर्जी उठा के ले जाना। क्या नाम हो गया? मेरा नाम रमेश कुमार है जी।